तो मुंह से आज और अंदर देखते हैं। तो देखिए मैं खा चला बढ़ता गया। तो कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ चुका हूँ आपका अपना भाई जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है वीकेंड के ऊपर है, तो चले अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करते आज के ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे। तो चलिए आज दिखाते हैं नैनीताल में कैसा वीकेंड चल रहा है, कैसी पर्यटक भीड़ भाड़ चल रही है। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम मैं हूँ माल रोड, और जहाँ से माल रोड की शुरुआत हो जाती है आप देख सकते हैं। और आज है वीकेंड का दिन, वीकेंड के दिन में काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रही है नैनीताल में। हालांकि 8 किलोमीटर पहले ही रोक दे रहे हैं गाड़ियाँ, तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। पहले तो इतना जाम लगता था, बहुत ही भीड़ भाड़ हो जाती थी, बहुत क्राउड हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं है। तो आज है वीकेंड का दिन, कुछ देख सकते हैं आज। और जून का महीना, तो अभी धूप की तपिश बहुत है, बहुत गर्माहट है धूप में, वो तो आप देख सकते हैं। तो मुँह से आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जैसा आप देख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरह और देखते हैं आगे कितने पर्यटक इतने टूरिस्ट माल रोड में जो घूम रहे हैं इस टाइम। और इस टाइम धूप की गर्माहट तेज़ है, तो इस टाइम कम टूरिस्ट निकले हैं। और फुटपाथ भी अभी हमारी लगी नहीं है, देखते हैं फुटपाथ का कैसा नज़ारा है। तो आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ नैनीताल की फुटपाथ बोट स्टैंड के पास। और आप देख सकते हैं आज वीकेंड के दिन में कितनी भीड़ भाड़ है। और यहाँ पर जो है हमारा पानी का लेवल आप देख सकते हैं कितना कम हो चुका है, और पूरा ही डेल्टा नज़र आ गया है। तो और ये मछलियाँ देख सकते हो, और हमारी यार्ड बोट चलते हुए देख सकते हैं आप। और वेदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये पूरा मौसम क्लियर है, बादल हैं थोड़े बहुत। और पानी का हमारे वहाँ, मैं आज वहाँ जाने की सोच रहा था लेकिन जाऊँ कैसे अब समझ में नहीं आ रहा, इधर मछलियाँ हैं और जाना पड़ेगा तो फिर इधर से ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हुए देखते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मछलियाँ। तो ये देख सकते हैं इधर, पानी तो यहाँ तक पूरा सूख गया, ये पूरा नज़र आ गया देखिए। तो मैं जा चप्पल स्लीपर पहन के लाया, चप्पल पहन के लाया था, मैं सोच जाऊँगा लेकिन यहाँ से जाने का नहीं हो पा रहा अभी, पूरी जीन्स भीग जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से लोग बोटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं इस टाइम में हूँ माल रोड में, और माल रोड में कुछ पर्यटक ऐसे घूम रहे हैं देख सकते हो आप ये। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ और देखते हैं आगे कैसे पर्यटक घूम रहे हैं। आज है वीकेंड का दिन, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये देख सकते हैं इस टाइम माल रोड नैनीताल। तो
उस टाइम माल रोड में चलते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम में माल रोड में तो आज बोट्स बहुत चल रही हैं और वीकेंड का दिन है, यार बोट चलते हुए देख सकते हैं आप सामने। और यह है लेक, तो इस तरीके से बोटिंग चल रही है, गाड़ियाँ आ रही हैं देख सकते हो। तो आज करे है ये, तो इस तरीके से लोग आज घूम रहे हैं। और नैनीताल का वेदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से सीजन चलते हुए नैनीताल का। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम पहुंच गया हूँ अदमताल से भी आगे अलका होटल के पास, और यहाँ पे आप टूरिस्ट देख सकते हैं। चलो चिक्की बोल रहा था, मैं थकी जाती हूँ। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है डोमिनोज और अंगूरी हार। तो चलते हैं इधर की तरफ और इधर देखते हैं कितने टूरिस्ट क्या कर रहे हैं। इधर की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं इधर तो पानी बहुत डेल्टा नज़र आ गया, पानी बहुत नीचे चले गया है। तो ये देख सकता हूँ, यहाँ से पहले पानी यहाँ तक था, फिर धीरे 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 नीचे चल गया, तो आप देख सकते हैं कहाँ तक है। तो इस टाइम पहुँच चुका हूँ ओपन जिम के पास, चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं इस टाइम बच्चे इंजॉय करते हुए। तो इस टाइम चलते हुए तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैं पैदल पैदल ही तल्लीताल पहुंच चुका हूं, और तल्लीताल का यह है बोट स्टैंड, देख रहे होंगे आप। तो यहां पे भी आपको मैं दिखाने लायक कितने टूरिस्ट कितने पर्यटक हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और जैसा मैंने आपको बताया कि वीकेंड का दिन है, तो वीकेंड के दिन में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है नैनीताल में, काफ़ी क्राउड होता है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है क्योंकि 8 किलोमीटर पहली गाड़ियाँ रोक दे रहे हैं, जिनके होटल में रूम बुक नहीं उनको वापस कर दे रहे हैं, या बड़ी कहने के बाद वो एंट्री दे रहे हैं नैनीताल में, और वो जाम भी नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ताल नज़र आ रहा है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक नज़र आ रही है, इस पर बोट्स चलते हुए नज़र आ रही हैं। और वेदर की बात करें तो वेदर मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ, पानी का लेवल मैंने आपको बताया है, और माल रोड दिखाते हुए ला रहा हूँ मैं आपको कितनी। और जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू बड़ा अल्टीमेट दिखता है, काफ़ी प्यारा व्यू दिखता है, तो इधर से लोग काफ़ी फ़ोटो लेते हैं। और नैनीताल आप भी आ सकते हैं, नैनीताल आप भी घूम सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए इस टाइम बोटिंग करते हुए लोग खड़े हुए भी हैं, और हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चलती है इस टाइम। चलते हैं रोडवे स्टेशन की तरफ, वहाँ देखते हैं कि वहाँ कैसी क्राउड है। तो देख सकते हैं इस टाइम मैं हूँ तल्लीताल रोडवे स्टेशन के पास, और यहाँ पे से टूरिस्ट आप देख सकते हैं कुछ ऐसे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं। और यह हमारी भवाली रानीखेत अल्मोड़ा और कैची धाम का ये रोड गया है,
और इधर गया हमारा हल्द्वानी, और ये नया रोडवे स्टेशन बन रहा है देख सकते हैं सामने। कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है तल्लीताल हमारा, ये देख सकते हैं। थोड़ा सा चलते हैं अंदर की तरफ और अंदर देखते हैं। मछलियाँ तो हवा आप महसूस कर सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है इस टाइम। यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया। आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करेगा, मेरे चैनल किसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।